बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। दांतों का दर्द इंसान को निढाल कर देता है। दांतों से खून आना, दांतों की हर तरह की तकलीफ़, मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का दर्द, इन तमाम तकलीफ़ के लिए आज मैं बहुत ही आसान देसी इलाज बता रही हूँ, जो ना सिर्फ कम खर्च हैं बल्कि आजमूदा नुस्खे हैं, जिनको अगर आप घर पर इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पर दांत की तकलीफ़ से निजात मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ देसी ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मुफीद और मालूमती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दांत दर्द की सबसे बड़ी वजह खाना खाने के बाद दांतों में खलाल ना करना है। खाने के बाद कुल्ली करने से भी दांत सेहतमंद रहते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द है तो फौरन हींग का छोटा सा टुकड़ा लेकर एक गिलास पानी में पकाएं और जब पानी नीम गर्म हो जाए तो उससे कुल्लियाँ करें। इंशाल्लाह दांत दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। हिलते हुए दांतों में दर्द हो तो हींग का टुकड़ा दांतों में दबाने से भी आराम आ जाता है और मसूड़ों की सूजन भी दूर हो जाती है। लीमू का रस मलने से भी दांत का खून बंद हो जाता है। सेब के रस में खाने का सोडा मिलाकर मसूड़ों पर लगाने से भी खून बंद हो जाता है। टमाटर का रस दिन में 3 बार पीने से भी दांतों से खून आना बंद हो जाता है। अनार के फूल छांव में सुखाकर बारीक पीसकर किसी बोतल में महफूज कर लें। सुबह शाम मंजन के तौर पर मलिए। इंशाल्लाह दांतों से खून आना बंद हो जाएगा और हिलते हुए दांत भी मजबूत हो जाएंगे। पायरिया, दांतों से खून आना और पी पाने का इलाज। पालक का जूस पीना भी बहुत मुफीद है। अगर इसमें गाजर का जूस भी मिक्स करके पिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दांत का खून बंद करने का आजमूदा इलाज। तवे पर फुलाई हुई फटकड़ी का पाउडर मसूड़ों पर मलने से दांतों का खून फौरी बंद हो जाता है। हरड़, नमक और काली मिर्च हम वजन पीस लें, दिन में 2 बार मंजन करें। इंशाल्लाह मसूड़ों की सूजन और पायरिया का बेहतरीन इलाज है। मसवाक दांतों के तमाम इमराज का इलाज है। अमरूद के दरख्त की नई कोंपलें लेकर चबाइए, इंशाल्लाह दांत दर्द ठीक हो जाएगा। हमेशा चाय या कॉफ़ी पीने के बाद कुल्ली ज़रूर करें। इस तरह कोई चीज़ भी खाएं उसके बाद कुल्ली ज़रूर करें। इस तरह करने से मसूड़ों में खून की शिकायत भी ना होगी, दांतों की बेशुमार बीमारियों से भी बचे रहेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।